Alright, this is awkward. I did not intend to start my video like this, but I just want to tell you this. मैं थोड़ा अलग तरह से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आज, देखते कैसा जाएगा. So, let's cut short. Let's move to some other place. So, how are you my fellas? It's your boy NotSoChatty here. Welcome back to yet another episode of Indian Gamer Rants. और आज का एपिसोड हम लोग डेडिकेट करने जा रहे हैं द अंडर एज ड्रामा क्वीन बिंदास काव्या. या यू आर बिलो 18 गर्ल, स्टार्ट एक्टिंग लाइक योर एज. ऑलराइट, पता मुझे क्या अब्यूजिंग लग रहा है. मुझे इस लड़की के बारे में 2019 में पता चला, दिसंबर के महीने में. दो मुझे लगा ये लड़की ठीक ठाक है. 2020 आया, मुझे पता चला है किस टाइप की है, और अब मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ दिसंबर में. फैंटास्टिक. मुझे पता है बिंदास काव्या बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में पड़ चुकी है. मैं सारी कवर नहीं करने वाला, लेकिन मैं एक ब्रीफ वॉक थ्रू दूंगा आपको. बिंदास काव्या का पहला कंट्रोवर्सी था डायनेमो और श्राउड को बेफालतू में कंपेयर करने का. और डायनेमो और श्राउड को कंपेयर मत करो, क्या पता श्राउड ही पट से हेडशॉट का शिकार हो जाए. इस पे उसको बहुत बैकलैश मिली, उस पर बहुत सारे रोस्ट बने, और तब जाके उसको थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी मिली. उसके बाद दूसरा कंट्रोवर्सी, हैक्स खेल के पबजी मोबाइल खेल रही है वो. हैक्स no, 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 no. और खुद को प्रो प्लेयर बोलती है. लेकिन अभी जिस कंट्रोवर्सी में पड़ी है वो बहुत सीरियस है. इट्स अबाउट हर सेक्सुअलाइजिंग हरसेल्फ. मैं ये लेटर पार्ट में कवर करूँगा. पहले तो मैं ये कवर करना चाहता हूँ कि ये किस टाइप की पर्सन है. इसकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे हम लोग. बिंदास काव्या बेसिकली स्टार्टेड आउट एज अ टिकटॉकर. और मुझे ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि टिकटॉक पे क्रिंजी लोग कितने क्रिंजी होते हैं. इसकी टिकटॉक पे ग्रोथ इसलिए हुई क्योंकि she looks good, okay. No entertainment value, no special skills, nothing. और उसकी TikTok पे basically copyrighted music use करती है. इस शब्द को अच्छे से याद रखना क्योंकि मैं दोबारा यूज करूँगा copyrighted music. Here, have a look. जिस हिसाब ना तक दिया ओ लग दिल और दिया जिस हिसाब कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्क का दिल में भर गया आंखों आंखों में वो. टिकटॉक से उठ के फिर लड़की यूट्यूब पे आती है. वहाँ पे भी कुछ ऐसी वीडियो बनाती है जैसे कि इसकी ये वाली वीडियो जिसपे लड़की मर जावा एक कॉपीराइटेड म्यूजिक को यूज करती है. और मजे की बात पता है क्या है, ये दूसरे लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक दे रही है. क्यों? क्योंकि वो लोग इसका कंटेंट यूज कर रहे हैं. अच्छा, व्यूज चाहिए, क्लिकबेट चाहिए. इस लड़की में बहुत डबल स्टैंडर्ड है. मैं आपको इसके दो एग्जांपल दे सकता हूँ. पहले इसके एक वीडियो है जिसका नाम है कमीनी लड़की, टाइटल में है गाली. और जब इस पर रोस्ट वीडियो बनने लगे, इसको लोगों ने क्रिटिसाइज किया, गाली दी, तब ये विक्टिम कार्ड प्ले करती है. ये बात तो आप मानते होंगे कि दुनिया में ऐसी कोई गाली नहीं बनी जिससे लड़कों को तकलीफ हो सके. वो तो ऐसे उन्हें हवे में उड़ा देते हैं. लड़कों के पास वो सब झेल जाने की ताकत होती है, पर एक लड़की के लिए छोटी सी छोटी गाली भी बहुत बड़ी होती है और उसका इफेक्ट रियल लाइफ पे पड़ता है. इस बात पे थोड़ा सा सोच के देखो. दूसरा एग्जाम्पल, जब इसने रोस्टर्स को रोस्ट करने की कोशिश की तो इसने, पता नहीं मैं उनको जानता हूँ कि नहीं, लेकिन दो रोस्टर्स की शक्ल को दिखा के लाफ टक चलाते हैं. ये कभी आपने सोचा है कि ये गेम प्ले के पीछे बकबक करने वालों की शक्लें कैसी होंगी? इन्हें गेम प्ले के पीछे से सामने लाया जाए इनकी शक्लें कुछ ऐसी. बेसिकली बॉडी शेम कर रही है जिस तरह से वो दोनों लड़के दिखते हैं. लेकिन अमेजिंगली बिंदास काव्या अपने वीडियोस के थ्रू पॉजिटिविटी फैलाती है. दूसरों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, किसी को हरास नहीं करना चाहिए. ये लड़की एक बहुत बड़ी कावर्ड भी है. इसके हिसाब से जो लोग अपना चेहरा कैमरा के सामने लाते हैं वो बहुत जगह लगा के लाते हैं। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट पीपल, दे आर वेरी ब्रेव। बट काव्या, जस्ट हेयर मी आउट प्लीज़। जिस जिस वीडियो पे तुम्हें बैकलैश मिली है उन सबका तुमने लाइक और डिसलाइक हटा के रखा है। योर एक्शन स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स, ऑल राइट। मैं चाहूँ तो और वर्ड्स इस्तेमाल कर सकता हूँ इसको डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे ये कितनी बड़ी नार्सिसिस्ट है, बहुत अजीब तरह से अपने ही पीसी में अपना चेहरा लगाती है वॉलपेपर के लिए। ये लड़की झूठ भी बोलती है, लोगों को मिसलीड करने की कोशिश करती है, और ऑन टॉप ऑफ दैट ये बहुत ओवर स्मार्ट है। ऐसा ऐसा लगता है कि लोगों को कुछ भी कह के अपने साइड में कर सकती है, बट यू आर वेरी मिस्टेकन। और मैं और वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने वाला क्योंकि वो बर्बादी होगी इस पर। अब हम लोग थोड़ा सा सीरियस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं बिंदास काव्या के मेन चैनल के बारे में, जो कि बेसिकली एक व्लॉग चैनल है, और व्लॉग्स बेसिकली फैमिली फ्रेंडली कंटेंट है, राइट। लेकिन उसकी कुछ वीडियोस ऐसी है जो एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक ऐसी डायरेक्शन जो कि फैमिली फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है, ना ही चाइल्ड फ्रेंडली है। Take a look. This is not okay. This needs to stop now. This is cancer. This is so much cancer that I can feel the tumors growing on my back. And it's way down heavy on me, and it's not okay. Can you help a nigga out and just stop this? Please? बिंदास काव्या, I would like you to listen to this very carefully. I don't know who is managing your channel, if it's you, your parents, or you have another management team. But please listen. Have you ever read YouTube's article on child safety? Would you like me to read that to you? Would you like me to show it to you? Well, here goes nothing. I'm gonna show it to you. Here, take a nice little look, pause the video if you want, and read it carefully. You're not 18, okay? मुझे नहीं पता तुम्हारी एज क्या है। कुछ लोग कह रहे 13 साल के हो तुम 14 साल के हो, ना 15 साल के हो, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम 18 साल के तो हो नहीं, तो तुम अननेसेसरली ऐसे सेक्सुअल थंबनेल्स को तुम डाल रही हो। This reminds me of two things. Pehla, there is this movie on Netflix called Cuties. उसको पता है इतनी backlash क्यों मिली? It's about 4 11-year-old kids जो एक डांस ग्रुप बनाते हैं, and the dance move they do is called twerking, and twerking is not suitable for kids at all. दूसरा, there is this another person who goes by the name of Daniel Co. शायद तुमने उसके बारे में सुना होगा, एक बार सर्च करने ला YouTube पे। She was being exploited by her mother for money, and she starred in this Bank Energy Drink advertisement, जिसे सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोग स्पॉन्सर करते हैं और एडवर्टाइज करते हैं। दिस इज नॉट गुड। पता है इससे सिर्फ बिंदास काव्या को नुकसान नहीं होगा, उसकी ऑडियंस को भी नुकसान होगा। वो भी देखेंगे कि बिंदास काव्या ऐसे ऐसे थंबनेल लगा दिए है, उसको इतने व्यूज़ आ रहे हैं, पैसे कमा रही है, तो वो भी सोचेंगे कि क्यों ना हम भी ऐसे ऐसे थंबनेल डाले हैं, पैसे कमाएंगे हम लोग। और जब उनका सामना, मैं बता रहा हूँ, बहुत बुरा होगा। जब उनका सामना पीडोफाइल से होगा ना, इतनी बुरी तरह से ट्रॉमेटाइज होंगे ना, मेरी रूह कांप जाती है ऐसी चीज़ सोच के। और बिंदास काव्या, तुम्हें फालतू में कॉपीराइट स्ट्राइक लगाने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, क्योंकि फेक कॉपीराइट स्ट्राइक लगाने से ना तुम्हारा चैनल टर्मिनेट हो सकता है। प्लीज, यू डोंट नीड टू बी दिस इनसिक्योर, ऑल राइट। Lower up, stretch the spine. Good. So I hope you guys really love the video. अब आपसे मुलाकात होगी एंड ऑफ द ईयर स्पेशल में। I hope मैंने कोई स्पॉयलर्स ना दिया हो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।